अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इकरा अजीज हुसैन और मेरे पास है आप सबके लिए एक एक्साइटिंग और बहुत बड़ी न्यूज़ है। हम अवार्ड्स हो रहे हैं, 8th हम अवार्ड्स 24 सितंबर को टोरंटो में, कनाडा में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, कपड़े रेडी हैं, सब कुछ रेडी है एंड आई कांट वेट टू सी यू ऑल। सो गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. अरे आप लोग अभी तक गए नहीं, जल्दी जाइए, बुक कीजिए अपने टिकट। केशव लवारिस नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। जुनैद भी लवारिस नहीं है, उसकी माँ जिंदा है। आज तो मैंने तुम बाप बेटी का लिहाज कर लिया है, आइंदा नहीं करूंगी। आई बात समझ में? भाभी इतना तकल्लुफ कर लिया, मैं तो खाना खा के आई थी। कुछ लोग होते हैं, खास होते हैं, उनके लिए दिल चाहते हैं कि इंसान खातिर करे ताकि उन्हें एहसास हो कि वो कितने खास हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है भाभी। मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, आवर की तो खड़े खड़े बेइज्जती करके उसको निकाल देती है। सबात कुछ लो ना। नहीं जी, बस मैं चाय लूंगी। थैंक यू बेटा। देखा कितनी अच्छी ट्रेन हो गई है ईशल, कुछ नहीं बताना पड़ता, सब कुछ खुद करती है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मैं इसीलिए आई थी आपसे बात करने के ईशल को यही रहने देना, ये जुनैद की पढ़ाई में कोई खलल नहीं पैदा करेगी। ईशल के मैके जाने की बात किसने छेड़ी थी? तूने रोजाना पता है सबाहत, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव देखे, अच्छा बुरा वक्त देखा, लेकिन मैंने कभी जाके अपने मैके में जिक्र भी नहीं किया। और यहां अभी मैंने जुनैद से जिक्र ही किया है कि ईशल को उसके मैके भेज दो, और एक घंटे के अंदर अंदर तुम्हें पता भी चल गया, इसने इतना इंतजार भी नहीं किया। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मैका ही अजीज है इसे, वो ही इसका घर है। तो ठीक है, अगर वो ही इसका घर है तो वहीं जाके रहे। नहीं भाभी, ये तो मुनासिब नहीं होगा, आप प्लीज कुछ और सोचें। मुझे यकीन है कि आप इसका कोई बेहतर हल निकाल देंगी। मैंने तो इसके भले के लिए बात की थी, वहां पे रहेगी तो आसाइश में रहेगी, यहां तो उसे बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ताईजान, आप जैसे रखना चाहे वैसे रखें मुझे, पर वापस मत भेजें। भैया हमारे जमाने में भी जो लड़के पढ़ रहे होते थे उनकी एकाकी शादी हो जाती थी, लेकिन बहुओं को घर भेजने की बात किसी ने नहीं की थी। आपका बेटा जब पीठ दिखा के चला गया था हमें, तो मैंने अपने दोनों बेटों को पाला था, मुझे पता है कितनी मुश्किल से मैंने जुनैद को इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं इसके मुस्तकबिल के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मैंने इसे बड़ा आदमी बनाना है। अच्छा ठीक है सबाहत। ईशल तुम अपनी जरूरत का कुछ सामान कमरे से निकाल के छोटे कमरे में शिफ्ट कर लो, जब तक जुनैद के इम्तिहान चल रहे हैं तुम दिन में यहाँ हमारे साथ टाइम गुजारा करो, रात को भले सोने चली जाया करना। थैंक यू भाभी, आपने मेरी बात रख ली। Thank you.
खफा होकर जाओगी। ऐसे सुना करो मेरे साथ। और जो मेरे साथ हो रहा है वो कहा ना, साथ खाना खाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, कुछ ही दिनों की तो बात है। एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती, इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दूर तो मैं भी नहीं रह सकता, मजबूरी है। बस मेरे लिए जाना मुश्किल मत करो जिन्हें। रुखसाना की सारी बातें मानकर तुमने ठीक नहीं किया। पल ऐसे कोई करता है शादीशुदा बच्चों के साथ, और वो भी इतनी मोहब्बत करने वाले बच्चों के साथ? कुछ ही दिनों की तो बात है माँ, भी इंशाल्लाह फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाए? अभी खावर को पता चलेगा तो वो भी गिला करेगा। खावर को नहीं पता लग सकता माँ, भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आज यहाँ जो भी बातें हुई है प्लीज खावर को मत बताइएगा। ये छुपने वाली बातें नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा। मैं चलती हूँ, जाओ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी तबीयत है अबू की? बहुत बेहतर है, कल सुबह छुट्टी भी हो जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सायरा घर का काफी काम पड़ा है, वो खाना बना रही है, तुम झाड़ू लगा दो। जी ठीक। कोई जरूरत नहीं है, अस्पताल से थके हुए आए हो, जाओ जाके आराम करो, ईशल है ना कर लेगी। मीन ईशल इतने काम अकेले कैसे करेगी? क्यों ये नहीं करती है, ऐसे वो भी कर लेगी। अम्मी ईशल खाना बना रही है, मैं सफाई कर देती हूँ। चुप, बात मैंने एक बार कह दी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? जाओ जाके आराम करो। हो गई? जी बस थोड़ी सी रह गई है। और भी काम करने वाले हैं ईशल, सारा दिन इसमें मत लगा दो, जल्दी हाथ चलाओ। जी। रुखसाना, रुखसाना। जी अम्मा। ये देख बेटा, मेरे दुपट्टे पे किसी ने कीचड़ के छींटे डाल दिए हैं। कौन सा कीचड़? नजर नहीं आ रहा तुझे? मैया कोई कीचड़ नहीं है, आपका वहम है। अंधी हो गई है क्या? जब मुझे दिखाई दे रहा है तो तुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? इसलिए कि है ही नहीं कीचड़, आपका वहम है। पागल हो गई है तू तो। ईशल यहाँ बेटा, यहाँ। इसे तो अपना शोहर नहीं दिखाई देता था, कीचड़ कहाँ से दिखाई देगा? तुम अपना काम करो जाके। पहले इधर आ, यहाँ बात सुन मेरी। ये देख, ये छींटे दिखाई दे रही है तुझे? जी अम्मा भी, छींटे तो हैं। अब बोल, अब बोल। मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा है, शायद मेरी नजर कमजोर हो गई है। नजर कमजोर है? कोई बात नहीं, मुझे दे, मैं धो देती हूँ। जीती रहे, जीती रहे। ये ले, इतनी सी बात थी। वैसे ये लगा कहाँ से? अल्लाह बेहतर जानता है बेटा, ये इसी तरह करती रहती है मेरे साथ, तंग करती है मुझे। बस चल चल, अब सुखा लेंगे। चल। कितनी मुश्किल से धोया था अपने किरदार पे गिरने वाले कीचड़ को, कितना वक्त लगा मुझे दूसरों को ये यकीन दिलाने में कि अम्मा भी मेरे बारे में जो उल्टी सीधी बातें करती थी उनका वहम था। कितने साल लगे मुझे ये साबित करने में कि अम्मा भी झूठी थी और मैं सच्ची। आज ईशल ने मुझे अम्मा भी के सामने झूठा साबित कर दिया।
कितनी ताकतवर थी मैं ईशल के आने से पहले, कितना कमजोर कर दिया आज उसकी एक गवाही ने मुझे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये लड़की एक ना एक दिन मेरे बेटों को मेरे सामने ला खड़ा करेगी। अगर मैं ऐसा होने नहीं दूं। ये अम्मा अपी को वहम की बीमारी कब से? बहुत सालों से, शायद जब से फरीद के अपू ने इस घर से अपना रابطہ खत्म कर दिया ना तब से। आज बड़ी अजीब सी चीज हुई है। क्या अम्मा भी जोर जोर से चीख रही थी कि मेरे दुपट्टे पे कीचड़ के छींटे, और ताईजान कह रही थी नहीं आपका वहम है, जब मैंने देखा तो उसपे वाकई में छींटे थे। फिर तुमने क्या कहा? वही जो सच था। मतलब तुमने अम्मी को झूठा साबित कर दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने वही कहा जो सच था। ठीक नहीं किया ये तुमने सच बोलकर। नहीं, अम्मी को झूठा साबित करके आइंदा ऐसा ना करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं, इस बात का क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि हर बात का मतलब बताया जाए। डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं अम्मी, आप ही को देख के तो मुझे एनर्जी मिलती है। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बस इसी चीज की जरूरत। चाय कॉफी या कुछ लाऊं? हाँ नहीं, फिलहाल तो नहीं अम्मी, कुछ चाहिए होगा तो मैं ईशल को बता दूंगा, फिक्र ना करें। नहीं, उस बेचारी को बहुत काम है, उसे मत डिस्टर्ब करना। कोई भी चीज चाहिए हो मुझे कहना, ईशल से मत कहना, ठीक है ना? जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम खावर, कैसे हो तुम बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे? कैसी हो सकती हूँ, जब घर का फर्दी अपने प्यारों के साथ जबरदस्ती और ज्यादती करे तो मुझ जैसी बूढ़ी औरत कैसे सलामत रह सकती है? क्या हुआ मम्मी, खुलकर बताए। सबात ने नहीं बताया तुम्हें? सबात ने क्या नहीं बताया? नहीं बताया होगा सबात ने, हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि उसके बाप को तो बता दो कि उसकी बेटी के साथ ससुराल में क्या सुलूक हो रहा है। वही ससुराल जिसमें उसकी बेबस दादी भी रहती है और उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अम्मा भी पहलिया क्यों बुझवा रही,
क्या हुआ इशरत के साथ? खुलकर बताएं, और किसने किया है? कौन हो सकता है? रुखसाना। ईशल, ईशल को देखा? जी ताईजान, कहाँ थी? मैं छत पे। किसकी इजाजत से छत पे गई हो तुम? इजाजत? वो ताईजान, मैं छत पे थी, बाहर गली में नहीं। ये तुम्हारी अमीरों की सोसाइटी नहीं है, गरीबों का मोहल्ला है। लोग देखते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, बल्कि लगा भी चुके होंगे कि वो देखो रुखसाना की छोटी बहू छत पे खड़ी हुई है। क्या ऑल फॉल बक रही है रुखसाना? अच्छा, अपनी पोती पे बात आई तो ऑल फॉल बक रही हूँ, और जो मेरे बारे में इससे ज्यादा घटिया बातें आप करती थी उसके बारे में क्या ख्याल है? वो क्यों करती थी? क्योंकि मैं किसी और की बेटी थी? तुम किस लिए गई थी तुम छत पे? किसकी इजाजत से गई थी? मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हूँ पूरे मोहल्ले में? लोगों ने देख के यही कहा होगा ना कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ताईजान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी छोटी सोच है आपकी? मेरी सोच पसंद नहीं है? अगर मेरे घर के तौर तरीके पसंद नहीं है तो सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या देख रही हो? क्या तरीका आपका अपनी बहू से बात करने का? किससे किस तरह बात करनी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करें। अब आप आ गए हैं तो इसे साथ ले जाएं, बताएं इसे कि ससुराल में कैसे रहते हैं। आप ना भी कहती तो मैं इसे लेने ही आया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि ये घर इसके काबिल नहीं, और ये भी जान गया हूँ कि आपने मेरी बेटी को उसके शौहर से दूर रखा हुआ। जब इसे बीवी और बहू होने का कोई हक ही हासिल नहीं है तो फिर क्या फायदा इस घर में रहने का? कुछ साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जा रही हो, अब तुम यहां नहीं रहोगी। ईशल बेटा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। जो मैंने है जाना, खुशी वहाँ।
जाते जाते एक बात सुन लो। अगर इस वक्त इस घर से गई तो तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां उसे कदम कदम पर माफिया मांगनी पड़ेंगी, कदम कदम पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जहां बात बात पर उसे एहसास दिलाया जाएगा कि उसे ससुराल में रहने की तमीज नहीं है, उसकी तरबियत पे सवाल उठाया जाएगा, उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, उसे घर के कुछ हिस्से पे महदूद कर दिया जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। खावर बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बस उनके नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। तुम्हें याद पड़ता है सबात, मैंने ईशल को कभी किसी काम से रोका हो, कहीं आने कहीं जाने से। काश मैं उसे ये सिखा पाता कि मोहब्बत मत करना। हौसला करें खावर, बस उसके लिए दुआ करें, उस मोहब्बत की बहुत भारी कीमत ना चुकानी पड़े। मोहब्बत की कीमत ही तो चुका रही है और शायद सारी जिंदगी चुकाती रहे। ये जो कर रही हैं आप, अच्छा नहीं कर रही। अब क्या कर दिया मैंने? जो बात मैंने मना की थी करने से वही किया आपने। खावर को झूठ सच सुना के जुनेद और ईशल के दरमियान आग लगा रही हैं। और तू जो ईशल को मैके भेजने की बात कर रही होती है, उसके बारे में क्या सोचा है? मेरी जब से शादी हुई है से लेके आज तक कोई 10,000 मरतबा आप मुझे कह चुकी है कि मैके चली जाओ। मैं क्या वाकई चली गई थी? ईशल माफी मांग लेती तो बात खत्म हो जाती। मैंने कौन सा असल में उसको मैके भेज देना था? भेजना होता तो ब्याह के क्यों लाई? मैं नहीं जानती, जुनेद की सारी खुशियां ईशल के साथ हैं। पहले भी समझाया था आपको, इस दफा भी समझा रही। जो आप कर रही हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आई थी कि मैं अपने कमरे में चली जाऊं।
अंदर आओ। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर छोटी बड़ी बात के लिए तुम इजाजत लेने मुझसे आ जाती। बस मैं चाहती हूँ जल्दी सीख जाओ ना सारी बातें, ताकि बार बार पूछना ना पड़े। सायरा को देख लो, कुछ कहना नहीं पड़ता उसे, क्या करना है क्या नहीं करना है सब जानती है। तुम भी समझ जाओगी, थोड़ा वक्त लगेगा। चलो जाओ, जुनेद इंतजार कर रहा है। जी। एक बात और, जुनेद को फिलहाल बच्चों के झंझट में मत डालना। एक बार इंसान के बच्चे हो जाएं, बस वो उन्हीं के ख्याल में लगा रहता है, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। जुनेद ने तो अभी बहुत कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। जुनेद को मत बताना ये बात हुई है हमारी। क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, कुछ कहा किसी ने? फिर इतनी खोई खोई क्यों? ये बात करो। आज जब मैं जा रही थी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। चलिए तुम मुझे एक बार कह देते, ईशर रुक जाओ मैं नहीं जाती, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती मैं सुबह से कितना इंतजार कर रही थी इस वक्त का, तुमसे बात करने का। आज मैंने बाबा की बात नहीं मानी, चुपचाप कुछ कहे बगैर चले गए। बहुत हर्ट किया है मैंने उन्हें। तो कॉल कर लो उनको, कह दो कि तुम ये सब नहीं चाहती थी। अब कोई फायदा नहीं है, घर जाकर उनको यकीन आ गया होगा कि उनकी बेटी नहीं रही, उसके किसी की बीवी बन चुकी है। अरे भाभी आप कब आई? जब तुम गुनगुना रही। अरे मैं तो बस ऐसी। आज बड़ा मुस्कुरा रही हो, किस्सा क्या है अम्मी? भाभी आप भी ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे, जिंदगी की सारी खुशियां नसीब। आमीन, थैंक यू। एक बात पूछो। एक क्यों, दो बातें पूछे। तुम्हें पावर चाचा से ज्यादा मोहब्बत है या जुनेद भाई से? अरे भाभी, भाभी ब्लड निकल रहा है मेरा तो। बहुत बुरा कट लगा है। ये देखिए, बहुत बुरा कट है। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इससे क्या होगा? तब तक बेहतर रहेगा क्या? रुको। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं जुनेद से कहती हूँ मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए। छोड़े छोड़े कर जुनेद।
जुनेद देखो मेरे हाथ से खून निकल रहा है, चोरी लग गई है मुझे। कैसे? मैं सब्जी काट रही थी, कट लग गया, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहुत दर्द हो रहा है। चलते हैं चलते हैं। क्या चलते हैं, जल्दी चलो, मुझे दर्द हो रहा है, ब्लड भी निकल रहा है इतना ज्यादा, जल्दी चलो। इजाजत भी नहीं ली और चला गया। कट लगा था मम्मी, बहुत खून निकल रहा था। तो मर तो नहीं गई थी ना, बीवी को जरा सा कट क्या लगा, माँ नजर ही नहीं आई। हो गई खुश अब, और करा उससे किचन के काम। तो क्या हो गया अगर उसने काम कर लिया, ये भी तो करती है, ये किसी की बेटी नहीं। बहुत फर्क है सायरा और ईशल में। सायरा अपने घर से ये सारे काम करती आई है, ईशल को इन सब चीजों की आदत नहीं है। इसने तो अपने घर में कभी उठ के पानी नहीं पिया होगा। तो मैं क्या करूं, मैंने कब कहा था कि मैं शहजादियों की तरह रखूंगी। खावर और सबाहत को पता थे इस घर के तौर तरीके, उन्हें चाहिए थे कि अपनी बेटी को सिखा के भेजते। जिसको भी फोन करना है जाएं, फोन करके बता दें जो भी बताना है। इस घर में जिस तरह चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। सायरा, जब तक ईशल वापस नहीं आती उसके हिस्से का काम तुम करोगी। जी अम्मी। खाओगी? सुबह से काम कर रही है, कुछ खा लो, थक गई होगी। कैसी तबीयत है ईशा? पहले से बेहतर हूं ताईजान। तुम लेट जाओ, आराम करो। जुनैद तुम जाके दूसरे कमरे में पढ़ाई करो, मैं हूं इसके साथ। कैसी बातें कर रही हैं आप, चोट लगी है उसको, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जुनैद मैंने कहा है मैं हूं इसके पास। मैं ईशा का ख्याल खुद रखूंगा, तुम लेट जाओ। नहीं मैं ठीक हूं। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए प्लीज। अम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझसे बात करें प्लीज। अम्मी मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आप एक दफा दरवाजा तो खोलिए प्लीज। अम्मी प्लीज, अम्मी जाओ अपने कमरे में जाओ, ईशल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मी मैं यही खड़ा आपका इंतजार करूंगा, मुझे पता है मुझसे खफा, एक दफा प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझसे बात करें ना मी, एक दफा प्लीज। मैंने कहा है ना कमरे में जाओ अपने। सायरा, सायरा बेटा। जी अम्मा भी। दोपहर से रुखसाना नजर नहीं आई, कहाँ है? अपने कमरे में। चल, खाना खाया है उसने? नहीं, मैंने पूछा था उनसे लेकिन मना कर दिया उन्होंने। अच्छा ऐसा कर, एक ट्रे में खाना लगा के ला के दे, मैं लेके जाती हूँ उसके लिए। आप लेके जाएंगी? क्यों, तेरा क्या ख्याल है?
सिर्फ तेरी सास एहसास करने वाली इस दुनिया में है, मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रख सकती। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा जा, चल जा, ट्रे में खाना रख कर ला। रुखसाना, रुखसाना। जी अम्मा भी। ऐसा है कि भूख लग रही थी और अकेले खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि खुद ही ले आती हूँ ट्रे में खाना। यहाँ आके मेरे साथ बैठ के खाती हूँ। बैठ। हाँ, तुम खाना खाया? नहीं। क्यों? भूख नहीं लग रही। आज तो खा लेती, तेरी लाडली बहू ने बनाया है। तंस का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती आप। चल इस बहाने तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई। ये खाना मेरे लिए लाई आप। चल अब तुझे पता चल गया तो खा ले। दिल नहीं चाह रहा। सब जानती हूं मैं रुखसाना। क्या? तुझे पछतावा लग गया जब ईशल को कट लगा है और जुनैद की सारी तवज्जो, उसका सारा ध्यान ईशल की तरफ गया था। तुझे लगा कि उसने तुझे नजरअंदाज कर दिया। हर बेटे की मां की जिंदगी में ये दिन आता है जब उसकी मोहब्बत का रुख तब्दील हो जाता है। मैं खुद इस कैफियत से दो बार गुजर चुकी हूं। हकीकत है इसे जितनी जल्दी तू तस्लीम कर ले तेरे लिए बेहतर होगा। आपने तस्लीम कर लिया है? शायद नहीं। और अब तो जिंदगी के साथ ही एहसास खत्म होगा।